बेस्ट प्रिपरेशन द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमॉरोज डूइंग योर बेस्ट टूडे प्रजेंट टूडे इज फिफ्टींथ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स यस्टरडे रैपिड जी के क्वेश्चन के आंसर्स हैं नोयल ये रिवर है जिसके बैंक पर लोकेटेड है कोयम्बटूर कलेसर नेशनल पार्क लोकेटेड है हरियाणा में बारह इन नंबर राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं उदय कोटक कमिटी इज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए थी सरकारिया कमीशन एक पुंछी कमीशन भी है वो किसके लिए है आप बताओ आज के सवाल हैं इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इन टू महायान और ऐसे दो में डिवाइड हो गया था उस काउंसिल का नाम क्या है इन विच ईयर एलेक्टर इनवेडेड इंडिया किस साल एलेग्जेंडर ने इन्वेट किया था इंडिया में समसपुर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट सिरोही पॉइंट ये कुछ दिन पहले न्यूज में था सिरोही पॉइंट इज वॉट ये अर्थ का कौन सा लोकेशन है सांथार रिचुअल इज रिलेटेड टू तो विच रिलीजन एंड विच फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल इन 1893 नाइनटी थ्री एंड देयर बाय इट गेव इट अ नेशनल कैरेक्टर फ्रीडम फाइटर का नाम क्या है सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वो कैबुलरी है पिनेकल पिनेकल मतलब हाइएस्ट लेवल है डिग्री है एग्जाम के टाइम पर हाइएस्ट पिनेकल आना चाहिए स्टडीज का पिनेकल यहाँ पे रेजोनेस बनना चाहिए जेरियाट्रिक का मतलब होता है रिलेटिंग टू ओल्ड एज वैक्सीनेशन वेलर इंडियन आर्मी करेज ब्रेवरी

डिजिटल डिवाइड दिस इज अबाउट फॉर्म प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव फ्लाई बाई आज फिफ्टींथ ऑफ जनवरी है मतलब आज आर्मी डे है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं विल गेट टू नो देन दिस इज अबाउट उस्ताद उत्ताद स्कीम ये इतना जरूरी क्यों है नेपाल फॉरन मिनिस्टर द करेक्शन अलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया है ऑब्जर्वेशन दिया है स्पेशल मैरिज एक्ट नाइनटीन पे विल गेट टू नो देन दिस इज गोल्ड प्राइसिस कंटिन्यूसली अभी भी अप स्विंग है यहाँ पे देन बिग पेंटिंग डब्ल्यू एच ओ वुहान आज हम प्री हिस्टोरिक केव रॉक एंड केव पेंटिंग्स भी देखेंगे देन दिस इज कोरल मैप कल मैनग्रुव देखा था आज कोरल देखते हैं एंड दिस इज फसल बीमा योजना इसको अभी पाँच साल कंप्लीट हो गए ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है कल बिकॉज पोंगल था तो जनवरी फिफ्टीन द हिंदू का आज ऑफ डे है सो so, आज हमारा रेफरेंस मटेरियल प्राइमरी होगा प्राइमरीली होगा इंडियन एक्सप्रेस ये फ्रंट पेज है द इंडियन एक्सप्रेस का जनवरी 15, 2021। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने की बात किया था फार्मर प्रोटेस्ट को एड्रेस करने के लिए उसमें भी अभी क्रैक्स नजर आने लग गए हैं की मेंबर्स तो सी इसमें अब क्या डेवलपमेंट होते हैं न्यू मोनोपोलीज मोनोपोली मोनोपोली इज बैड ऑब्जेक्शन वर ओवर रूल्ड फाइनेंस नीति आयोग ने यहाँ पे डिसीजन दिया है नीति आयोग दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स अदानी ग्रुप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन इंडिया इंक ये न्यूज़ हमारे काम की है दिल्ली सर्वेस टेन परसेंट किड्स आउट ऑफ स्कूल एट्टी परसेंट होम्स डोंट हैव कंप्यूटर ये ऑल दो एक सर्वे दिल्ली सिटी का दिखा रहा है दिल्ली हमारी कैपिटल की है बट अगर मोरलेस देखें ना तो दिल्ली की जो सिचुएशन है यहाँ की जो स्थिति है वो सेम स्थिति ऑल ओवर इंडिया भी देखने को मिलेगी डिफरेंट सिटीज़ में कि मोस्ट किड्स आउट ऑफ स्कूल हैं होम्स डोंट हैव कंप्यूटर्स दिस इज द थिंग डिजिटल डिवाइड इज रियलिटी इस पर हमने कॉन्टिन्यूसली बहुत सारे एडिटोरियल्स देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में हैव ट्राई टू कंपाइल एवरीथिंग इन टू दिस इन टू दिस टॉपिक ओके सो सी हमने देखा कि वॉट चैलेंजेस डू ऑनलाइन क्लासेस पोज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है एक्सेस का एक्सेस नहीं हो पाता टीचिंग स्किल्स ऑनलाइन में पढ़ाने के लिए डिफरेंट सेट ऑफ टीचिंग स्किल्स चाहिए असेसमेंट करना पॉसिबल हो जाता है ये चैलेंजेस हैं एजुकेशन जो है ये एक फंडामेंटल राइट है तो राइट टू डिवाइस भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट बट राइट टू डिवाइस मतलब गैजेट्स जिससे आप एजुकेशन को एक्सेस कर पाए वो भी इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए अब सी जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा है एजुकेशन डी में भी लिखा है और एजुकेशन लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये एजुकेशन थीम तीनों जगह विजिबल है आप बताओ फंडामेंटल का आर्टिकल कौन सा है राइट्स का डी का आर्टिकल कौन सा है और फंडामेंटल ड्यूटी में कौन सा आर्टिकल है रिलेटेड टू एजुकेशन सो द पॉइंट इज ऑनलाइन असेसमेंट डिफरेंट हो जाता है रेगुलेशन नहीं है और स्टीप लर्निंग कर्व है एंड डिजिटल डिवाइड इज रियलिटी हमने एक और चीज़ देखा कि बिकॉज ऑफ इनक्वालिटी एक तो इनक्वालिटी है एजुकेशन ऑनलाइन में दूसरा जो पढ़ाने का तरीका होता है पैडागोजी है उससे रिलेटेड भी इश्यूज़ हैं एन सी आर टी एक्स एन सी आर टी चीफ का एक बहुत अच्छा लीड आर्टिकल था जिन्होंने इस बात को बताया था कि हम स्टूडेंट्स को क्या बना रहे हैं क्या हम उनको बस रोबोट बना रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ लो एग्ज़ाम पास हो जाएगा बट यू डू नॉट नो द बेसिक्स ग्राउंड रियलिटीज़ एक्टेट्रा कि ये डिसीज़न लिया तो क्यों लिया बैकग्राउंड दे डोंट नो प्लस वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर डोज वॉट एवर नॉलेज यू वॉन्ट यू कैन गेट इट विद अ टैप ऑन योर मोबाइल फोन गूगल से आप एक क्लिक करो हर चीज़ आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगा तो एजुकेशन क्या है इस इंफॉर्मेशन को देना एजुकेशन है या फिर इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है वो एजुकेशन है इस बात पे हमें समझना चाहिए ट्वेंटी परसेंट रूरल स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है लर्निंग हिट हुआ है कोविड नाइन्टीन के कारण स्कूल्स बिकॉज बंद हो गए वन आउट ऑफ थ्री रूरल स्टूडेंट के पास कोई लर्निंग एक्टिविटी नहीं था स्मार्टफोन और टेक्नोलॉजी कोई गारंटी नहीं है एजुकेशन का ये एक्सपर्ट्स के व्यूज थे गैप्स आए लर्निंग में स्टूडेंट्स कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द पैंडमिक अगर टेक्स्ट बुक और रिसोर्सेज उन्हें मिले रेमेडियल मेजर्स ज़रूरी है फ्यूचर सच टाइप ऑफ अगर पैंडेमिक फिर से आते हैं और प्लस जो लॉसेज हुआ गैप्स आए उसको फुलफिल करने के लिए ये ए का सर्वे था ए सर्वे अब एनरोलमेंट डिप हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी मार्क राइज हुआ है स्टूडेंट्स नॉट एनरोल्ड इन स्कूल्स ड्रॉप आउट हुआ वो एडमिट नहीं हुए तो डिजिटल डिवाइड इज देयर बट अब पॉइंट ये आता है कि अगर जैसे पैंडमिक जैसी सिचुएशन है हम ऑफलाइन क्लासेस भी ओपन नहीं कर सकते ऑफलाइन में क्या होगा फिर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगा पैंडमिक इज़ नॉट ओवर सो इस सिचुएशन में बेस्ट सॉल्यूशन जो है वो है हाइब्रिड हाइब्रिड फॉर्म ऑफ एजुकेशन हाइब्रिड मतलब पार्शियल रीओपन करें और ऑनलाइन लर्निंग भी दें और ऑनलाइन लर्निंग में पर्सनल टच भी होना चाहिए ई लर्निंग अ केस ऑफ बैड एजुकेशन ये भी एक बहुत अच्छा आर्टिकल था फंडामेंटल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात है इक्वालिटी, इक्विटी जस्टिस ये तीनों चीज़ें समझना चाहिए एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो डिजिटल डिवाइड को प्रमोट नहीं करे इकोनॉमिक डिवाइड को प्रमोट नहीं करे कल्चरल हेल्थ डिवाइड को प्रमोट नहीं करे ये बायस्ड नहीं होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल यू भी हम कीप ऑन सिंग यू पी एस सी इज नॉट मेन टू यूज दिस डिवाइड के लिए नहीं है इज फॉर अ ट्वेंटी वन ईयर ओल्ड स्टूडेंट और किताबें पढ़ी है स्कूल कॉलेज की उसको लिखना आता है पढ़ना आता है राइट कर सकता है वो बहुत इजीली क्वालिफाई कर पाए ये एग्जाम ये एग्जाम डिजाइन इस तरीके से किया जाता है सो अंडरस्टैंड दिस थिंग रिक्वायरमेंट क्या है एग्जाम का भी अब सी फिर हमने देखा क्या इसको जीरो ईयर करें जीरो ईयर करेंगे तो फिर कैश इफेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उनको एडमिशन में प्रॉब्लम होगा दिस इज़ द रीज़न हमने आई आई टी जे और इन सब के एग्जाम्स कैंसिल नहीं किए अदरवाइज नेक्स्ट ईयर बर्डन हो जाता बट द पॉइंट इज़ वी नीड टू फाइंड अ मिडिल वे ब्रिज द गैप और इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन एजुकेशन में ज़रूरी है एजुकेशन पॉलिसी पूरे कंट्री में फिर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट और प्रेसिडेंट साहब का स्टेटमेंट ये पूरी बातें ना हमने लास्ट दो तीन महीनों में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है एजुकेशन कॉन्फ्रेंट लिस्ट सेवेंथ शेड्यूल गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुआ चांसलर यूनिवर्सिटी तो नॉलेज इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना है स्टूडेंट्स को कुछ पिलर्स होते हैं एजुकेशन में जो एन ई में भी लिखा था कि एजुकेशन जो होती है उसमें क्वालिटी होना चाहिए डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है ये नहीं कि एजुकेशन केवल एक इलीट सेक्शन का ही है कि वो शहर का लड़का है अच्छे रिच एंड ऑल नो, एजुकेशन को डी de डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास वो फ्रीली अवेलेबल हो एजुकेशन और साथ ही साथ रियल लाइफ स्किल्स भी ये नहीं कि स्कूल टॉपर्स हैं फिर वो रियल लाइफ में दे डू नॉट डू वेल रियल लाइफ स्किल्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है एजुकेशन दिस इज़ नॉट राइट और एक्सेसिबल होना चाहिए ये कुछ पिलर्स थे मेजर इश्यूज डिजिटल डिवाइड था एक्सपेंडिचर कमर्शियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एजुकेशन का बिजनेस बनता जा रहा है सेल्समैन और कंज्यूमर का रिलेशन हो रहा है स्टूडेंट और टीचर में विच इज़ नॉट राइट ग्रॉस एनरोलमेंट पैटर्न लो है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे और स्टूडेंट टू टीचर रेशियो भी कम है सो so, ये कुछ इश्यूज देखे हमने फिर यूनेस्को की बात किया यूनेस्को ने एक और चीज़ आइडेंटिफाई किया कि स्कूल का मतलब केवल एजुकेशन नहीं उसके साथ ओवरऑल हेल्थ एक्टिविटीज़ भी होता है फॉर एग्जांपल मिड डे मील स्कीम्स हैं स्कूल में बच्चे आना बंद हो गए तो मिड डे मील स्कीम भी बंद हो गया और हम एक और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एन दैट इज़ अबाउट दिस माल न्यूट्रिशन चाइल्ड स्टंटिंग चाइल्ड वेस्टिंग तो द पॉइंट इज स्कूल हुए एजुकेशन हुआ ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स एंड यंग किड्स के लिए सो दैट इज़ वाई ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी है डिजिटल डिवाइड फाइनेंशियल डिवाइड लैंग्वेज बैरियर्स इन सब चीज़ों को ओवरकम करें अब सी ये पूरे पेज में देर आर सो मेनी गुड पॉइंट्स इन सारे पॉइंट से आप एक बहुत ही अच्छा ऐसे और डिटेल्ड आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं वेराइटी ऑफ यूज़ केसेज में यू कैन यूज दीज पॉइंट्स स्कूल्स अब रीओपन हो रहे हैं अब एक और दूसरी चीज भी है यहाँ पे एंगल जैसे स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं बट मैनी किड्स स्टे ऑन एट फार्म प्रोटेस्ट साइट तो जो एजुकेशन है उसका पैंडेमिक ही एक नहीं है जो उसको इम्पैक्ट कर रहा है अगर सोसाइटी में अनरेस्ट होता है प्रोटेस्ट होता है डिस्टर्बेंसेस आते हैं तब भी आप देखना एजुकेशन इम्पैक्ट होती है पढ़ाई का माहौल नहीं मिल पाता उन्हें तो दीज आर ऑल्सो वन थिंग वॉट इज द डिजिटल डिवाइड नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू समराइज जो भी हमने पढ़ा ना इसको समराइज करिए वॉट इज द डिजिटल डिवाइड एंड हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द एजुकेशन सेक्टर क्यों जरूरी है कि एजुकेशन सेक्टर हम क्वालिटी लाएं एक्सेसिबिलिटी लाएं इसका ज्यादा कमर्शलाइजेशन करना इज नॉट गुड वट वट वी नीड टू डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन डेवलप अ व्यू पॉइंट आने वाले टाइम पे नेशनल न्यू एजुकेशनल पॉलिसी भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है अब हम आगे देखते हैं दिस प्राइम मिनिस्टर टू लॉन्च लिस्ट 16 तारीख से हो जाएगी. Vaccination का डिलीवरी भी होने लग गया है this is Yamuna Bank है. क्वालिटी एयर फिर डिप हो रहा है severe category में एक्सटेंडेड एक्सट्रीम एयर पॉल्यूशन एपिसोड दिख रहा है अब टुडे इज 15th ऑफ फिफ्टींथ ऑफ जनवरी फिफ्टींथ ऑफ जनवरी मतलब आज का दिन है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आर्मी डे आर्मी डे हम क्यों मनाते हैं हर साल जनवरी पंद्रह को हम सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे तो इंडियन आर्मी डे नोन इंडियन आर्मी नोन फॉर इट्स ब्रेवरी वैलर एथिक्स आवर आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी सो दिस इज़ आर्मी बट हम आज आर्मी डे क्यों मनाते हैं तो आर्मी डे इसलिए मनाते हैं हम को मेमोरेट करते हैं ओकेजन जब तब के लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा टू कोवर कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ऑन जनवरी 15, 1949, तो कमांडर इन चीफ इंडियन जी एम करियप्पा जनरल करियप्पा ने लिया था चार्ज लिया था जनरल सर फ्रांसिस बुचर से जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के ब्रिटिश तो इंडियन आर्मी से बन गई इंडियन आर्मी और जनरल के एम करियप्पा जनवरी 15, 1949. फोर्टी नाइन सो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे के रूप में जनरल करियप्पा और जनरल सैम मोनिक मोनिको फाइव स्टार जनरल्स रहे हैं एयरफोर्स में भी एक फाइव स्टार जनरल रहे आप उनका नाम बताइए अपार्ट फ्रॉम वॉर द आर्मी हैज़ कंडक्टेड पीस टाइम एक्सरसाइज जैसे ऑपरेशन ब्रास स्टैक्स एक्सरसाइज शूर वीर और काफ़ी सारी एक्टिविटीज यूएन पीस कीपिंग में भी इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा कमेंडेबल रोल रहा है इसी बात को हमने यू में भी स्पीच में बोला था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने हम इतने सारे एरिया में इंडियन आर्मी ने अपना सर्विसेज दिया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी सो आर्मी डे इज ऑब्जर्व टू को मेमोरेट द इनडोमिटेबल स्पिरिट एंड करेज ऑफ इंडियन सोल्जर्स लेड डाउन देयर इन ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो मार्क द हिस्टोरिक ओकेजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मिलिट्री पॉवर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिपेंडेंट इंडिया सो दिस इज इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हैप्पी आर्मी डे अब जो नेक्स्ट न्यूज है नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दिस कैपिटल को इतने डोज मिले हैं वैक्सीनेशन के गुड़गांव में भी वैक्सीनेशन आ गया है नो no, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का स्कीम है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम का नाम क्या है उस्ताद सो दिस इज उस्ताद उस्ताद के अंदर ही हुनर हाट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है सो वॉट इज़ उस्ताद उस्ताद का फुल फॉर्म देखा इसका मतलब है जो क्राफ्ट्समैन है हैं वीवर्स हैं आर्टिसन्स हैं जो ट्रेडिशनल एनसेस्टरल वर्क में हैं एंगेज हैं उनके स्किल्स को अपग्रेड करें मॉडर्नाइज करें असिस्टेंस दें उन्हें ट्रेडिशनल आर्टिस को ताकि वो कॉम्पीट कर पाए मॉडर्न मार्केट में वरना क्या होता है ट्रेडिशनल जो मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्किल्स ट्रांसफ़र हो रही है अगर उसमें थोड़ा मॉडर्न टच भी आ जाए टेक्नोलॉजी आ जाए उनको बिजनेस अक्यूमेंट दिखाएँ कि सेल कैसे करना है प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस कैसे करना है कॉम्पलायंस कैसे लेना है तो वो बेटर प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट का दिस इज़ द आइडिया यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह इसको फंड करता है एप्लीकेबल है ऑल एरियाज इन इंडिया हुनर हार्ट भी इसमें ऑर्गेनाइज है अब सी ये जो टॉपिक है ना ये टॉपिक भी हमने काफ़ी दफ़े देखा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी हैडी क्राफ्ट एंड क्राफ्ट्स मैन लॉस ऑफ लाइवलीहुड हो रहा है लॉकडाउन के कारण लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ डिस्टेटेड अ ग्रुप ऑफ आर्टिस जैसे ये हंगर पैंग्स है ये आगरा डिस्ट्रिक्ट में दिस आर्टिसंस जो स्मॉल स्मॉल जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उनको सेल करते हैं लॉकडाउन हुआ तो इनका सेल बंद हो गया इनको एक इशू आ रहा था जीएसटी पे भी देवर से जो इनके हैंडीक्राफ्ट हैं उसको जीएसटी से एग्जेम्पन मिले अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना है मेगा क्लस्टर स्कीम है मार्केटिंग सपोर्ट बिकॉज़ प्रोडक्ट अच्छा है बट अगर उसकी मार्केटिंग नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट कस्टमर्स के पास पहुंच नहीं पाएगा तो मार्केटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है सर्विसेज स्कीम और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना है तो इस तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट काम कर रही है आइडिया की क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो और टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी मिले आर्टिस्टन्स को हमारे आर्टिस जो होते हैं वो कॉम्पिटिशन मिलता है हमें चाइना से श्रीलंका से बांग्लादेश से और एक और प्रॉब्लम आ रही है वो हो रही है जनरेशन चेंज जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये क्रिएशन है रेसिडेंस इन खुर्जा ये ऐसे बहुत ब्यूटीफुल सेरामिक के पॉट्स बनाते हैं और ये जो स्किल है इनकी ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऐसे ट्रांसफ़र होती जा रही है बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो नई जनरेशन आ रही है उस जनरेशन को लगता है कि ये जो पुराने लोग काम कर रहे हैं इसमें ना तो पैसा है टाइम भी बहुत है कुछ ग्रोथ भी नहीं है फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है तो ये जो न्यू जनरेशन है वो ट्रेडिशनल जो हेरिटेज कल्चर होता है उससे ये दूर जा रही है वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती और अगर ऐसा होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है नई जनरेशन प्रैक्टिकल भी है बहुत ज़्यादा तो वो इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही है हेरिटेज लॉस्ट हो जाएगा सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट इसको फिर से प्रॉफिटेबल बनाए सस्टेनेबल बनाए नो मेला महोत्सव नहीं होते तो सेल नहीं हो पाती है और ये जीएसटी स्लैश करने की भी बात कर रहे थे सो दिस इज़ द थिंग ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने ब्रिटिश इंडिया के अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है ब्रिटिशर्स ने क्या किया सिस्टेमेटिकली इंडिया को लूटा उन्होंने लूटा कैसे कि जो हमारे इंडियन लोकल आर्ट्स आर्टिसन क्राफ्ट्समैन थे उनको उन्होंने पहले तो रॉ मटेरियल बंद किया फिर मार्केट सप्लाई बंद किया फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो यूके में हुआ था रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आने लग गई और हमारी इकोनमी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने द पॉइंट इज़ वी नीड टू कंजर्व कंजर्व आवर हेरिटेज और उसके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपग्रेडिंग द स्किल एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट बिकॉज कॉम्पिटिशन हमें फेस करना ही है चाइना श्रीलंका बांग्लादेश है द पॉइंट इज क्वान्टिटी लाएं क्वालिटी लाएं और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करें सो दिस इज़ द थिंग ये लैक ऑफ आइस है श्रीनगर रिकॉर्डेड दिस ये पूरी लेक ही जम गई है श्रीनगर के डी सी एन ऑल ने कल ट्वीट किया था कि इस पर आप जाए नहीं ये जो आइस होती है ये इतना डेलीकेट होती है टूट भी सकती है हेल्थ का लाइफ का रिस्क है नेपाल फॉरेन मिनिस्टर मीट करेंगे जयशंकर साहब से हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट है नेपाल सिंस बॉर्डर रो हमने कुछ दिन पहले देखा था ना लिंपिया धूरिया एंड ऑल बॉर्डर रो नेपाल का नया मैप और अब यहाँ से हाई प्रोफाइल विजिट है नॉर्मल सी हो रही है इंडिया और नेपाल रिलेशन में जीनोम सिक्वेंसिंग लैब इंस्टॉल हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट में गवर्नमेंट बोल रही है वैक्सीनेशन ड्राइव अब वैक्सीनेशन करने के लिए आपको डेटा चाहिए डेटा देगा इलेक्शन कमीशन अपना वोटर डेटा वोटर लिस्ट एंड ऑल से ताकि सबको वैक्सीनेशन किया जा सके दिस इज लेक ऑफ आइस नेपाल फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से आज मिलेंगे साउथ कोरिया यूनिवर्सिटी दो हिंदी लैंग्वेज प्रोग्राम है देन ये एडिटोरियल है फर्स्ट एडिटोरियल है द करेक्शन द करेक्शन सी अलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अभी डिसीजन लिया जो वेलकम नोट कॉन्स्टिट्यूशनल कॉश्चन अगेंस्ट रैकलेस स्टेट इंक्लूजन ऑन पर्सनल लाइफ हमने दो चीज देखा था एक था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल ट्वेंटी वन और मनिका गांधी केस में हमने देखा कि जो पर्सनल लाइफ है राइट टू प्राइवेसी है इसका ब्रॉडर इंटरप्रटेशन होना चाहिए प्लस राइट टू इक्वालिटी भी है हमारे यहाँ अपी एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट नाइनटीन अगर इसके अंतर्गत इफ यू आर मैरिंग तो जो कपल होता है उसको तीस दिन का एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि वो शादी करने वाले हैं और तीस दिन का उन्हें एक नोटिस देना पड़ेगा पब्लिक नोटिस देना पड़ता है कि दे आर इंटेंट टू मैरी अब अगर थर्टी डेज का नोटिस दिया है तो ये अननेसेसरी हाईलाइट हो जाएंगे एक्सपोज हो जाएंगे और विजिलेंटी और फैमिलियल वायलेंस भी हो सकता है सो दैट इज़ वाई इस थर्टी डेज का जो नोटिस है इसको हटाने की ज़रूरत है ये बात कहा इस हाईकोर्ट के डिसीजन ने इससे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2012 ने भी ऐसी रिकमेंडेशन किया था कि कीप अ चेक ऑन द हाई हैंडेड एंड अनवॉरंटेड इंटरफरेंस बाय कास्ट असेंबलीज इन दिस इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजियस मैरिज तो ये एक एक्ट है 1954 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू मैरिज भी है सो दिस इज द थिंग द करेक्शन अब नेक्स्ट है पीस चैलेंज पीस चैलेंज में ट्रांजिशन की बात है अफगानिस्तान जो टॉक्स हैं उसमें कैसे इंडिया थोड़ा बॉर्डर लाइन हो रहा है बिकॉज इंडिया थोड़ा आइडियलिस्टिक अप्रोच भी रखा इंडिया ने कहा कि हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजेंगे अफगानिस्तान ने इंडिया ने कहा कि हम केवल पीस मिशन या फिर हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की है उसको यूज़ करेंगे सो दिस इज़ द थिंग बट कुछ टाइम से इंडिया थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो रहा है तालिबान के साथ अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी थे लेट अस सी पीस चैलेंज यूएस में भी पावर चेंज हो रहा है माय ट्रुथ एंड योर्स ट्रुथ के बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं आफ्टर ब्लॉकिंग ट्रम्प दिस इज द थिंग ट्रम्प इम्पीचमेंट और अब लेटेस् क्या होता है ट्रम्प को जिस तरीके से सोशल मीडिया ने ब्लॉक किया है इस बात पे भी सवाल उठ रहे हैं सवाल ये है कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया दीज आर प्राइवेट कंपनीज और दूसरी तरफ है जिसको लोगों ने चुन के एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो प्रेसिडेंट बनाए मतलब देर इज़ अ गवर्नमेंट वर्सेज द सोशल मीडिया सोशल मीडिया का जैसे अभी व्हाट्सएप प्राइवेसी इशूज़ भी, भी हैं इस चीज़ में अभी चर्न चल रहा है लेटेस्ट ही क्या डेवलपमेंट होता है क्विकली कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा है सिमिलरली इम्पीचमेंट में भी यूएस में क्या होता है जस्ट वेट एंड वॉच इंडिया का पॉलिसी क्या होता है एक्सटर्नल मैटर्स में हम देखते हैं किस चीज़ों में हो रहा है जैसा डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टैंड बनाते हैं जैसे ही वॉयलेंस हुआ प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत स्टेटमेंट दिया था कि वी डू नॉट सपोर्ट दिस वॉयलेंस डेमोक्रेसी में वॉयलेंस की जगह नहीं है सो दिस इज़ द थिंग ये काफ़ी काफ़ी फ्लूड सिचुएशन होती है ये और बहुत तुरंत चेंज भी होती है सो so, कोई ओपिनियन नहीं बनाते जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग विल डील देन दिस इज शाइन द लाइट ट्रांसपेरेंसी वैक्सीन नेसेसरी मिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी चेकड ये न्यू ग्लोबल प्लेबुक है वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है ना ये इनमें क्या होता है इनमें एक काइंड ऑफ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इनको लगता है दे आर वेरी सुपर और एडवांस्ड हैं और जो इंडियंस हैं या फिर वेस्टर्न हमारा एशियन कंट्रीज हैं ये थोड़े बैकवर्ड हैं तभी एक टर्म ये पहले यूज़ करते थे वाइट मैंस बर्डन मतलब इनका बर्डन है कि वो हमारी सिविलाइजेशन हमारे कल्चर ट्रेडिशंस को अपग्रेड करें दे थिंक दिस इज़ देयर बर्डन टाइम बदल गया है बट अभी भी वेस्टर्न अगर आप थिंक टैंक्स देखो पॉलिसी मेकर्स देखो तो दे आर डीलिंग विद दिस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अननेसेसरी एरोगेंस और वो हमें इसी लाइट में देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे आई ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया अपने न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल देखा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून बनाया था सो दिस इज़ द थिंग वो हमें प्रजुडाइज्ड वे में देखते हैं और ये एक ग्लोबल प्लेबुक में भी देखने को मिलता है हीलर इन चीफ दिस इज प्रेसिडेंट बाइडन का बहुत सारा काम है ग्रेट ट्रस्ट डेफिसिट इम्पास जो है ट्रस्ट को दूर करना है ट्रस्ट को लाना है ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करना है इंडियन आर्मी स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल सेवेंटी थर्ड इंडियन आर्मी डे है का क्या प्रायोरिटी है एल्डरली को दिया जा रहा है फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जा रहा है यंग है बट को मोर्बिडिटी है तो पहले उनको दिया जाएगा दिस इज द प्रायोरिटी गेट्स वैक्सीन एंड हाउ वैक्सीन के भी दो डोज होंगे फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज दोनों के बीच में करीब छह हफ्ते का गैप होगा वैक्सीन कौन सी आपको मिल रही है इसमें आपके पास चॉइस नहीं है गवर्नमेंट जो अवेलेबल अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है उसमें आपको दिस देगी और कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी चेक किए जाएंगे इसमें ट्रम्प इम्पीच्ड है बट व्हाट्स द पॉइंट नाउ लेटेस्ट्रम्प इम्पीचमेंट अमिड वैक्सीन होप्स विल गोल्ड कंटिन्यू टू गिव हाई रिटर्न ट्वेंटी अब जैसे ये यू की पॉलिटिक्स हुआ अरब की पॉलिटिक्स हुआ या फिर ईरान की पॉलिटिक्स हुआ इसराइल का पॉलिटिक्स हुआ या फिर कुछ अमेरिका साउथ अमेरिका या फिर या यूरोप में कुछ चल रहा है हम जो चीज़ें देखते हैं ना वो देखते हैं जो न्यूज़ मीडिया में आया है या फिर इधर से आया है मैनी अ टाइम्स इट इज़ कि जो चीज़ आती है वो हो सकता है करेक्ट नहीं हो उसके डिफरेंट वर्जनस भी हो तो इंटरनेशनल रिलेशनस में इवन हमारा एम e. भी यही पॉलिसी अपनाता है क्विक डिसीजन नहीं होता है क्विक कमेंट्स नहीं देते हैं जस्ट वेट एंड वॉच और बहुत सटल वर्ड्स में हम फिर अपनी बात करते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा हमारा कंट्री फर्स्ट होगा हम अपने हित की बात करेंगे देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स देर आर नो परमानेंट एनिमीज देर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट और परमानेंट इंटरेस्ट जहाँ हमें दिखेगा हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे दिस इज़ द थिंग

सेफ्टी रिस्क नहीं लेना चाहते वो सेफ प्ले करना चाहते हैं और सेफ प्ले करने के लिए वो सोचते हैं पैसा कहाँ लगाए जहां पे वो डूबे नहीं सेफ रहे तो दो चीज नजर आती है एक होता है डॉलर दूसरा होता है गोल्ड जब भी इकोनॉमिक टर्मोइल हो रहा है रेसेशन हो रहा है या फिर कुछ अनसर्टेनिटी आ रही है वर्ल्ड में डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी गोल्ड की कीमत बढ़ जाएगी बट अब क्या प्रॉब्लम हुआ यूएस में डॉलर यूएस भी वीकन हो रहा है तो डॉलर के बजाय अभी एक सोल प्लेयर नजर आ रहा है दैट इज दिस गोल्ड टर्मोयल इन क्राइसिस में सेफ इन्वेस्टमेंट होता है डॉलर ऑलरेडी थोड़ा वीकन है प्लस वर्ल्ड के जो बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक्स वो इजी मनी पॉलिसी अपना रहे हैं अकोमोडेटिव तो इसलिए गोल्ड शाइन्स चल रहा है हो सकता है 2021 में भी ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ही रहेगा फिर इसके बाद कोर्स करेक्शन हो सकता है दिस इज द थिंग अब जो नेक्स्ट है दैट इज दिस वर्ड ट्रम्प इम्पीज फॉर इंसाइटमेंट ऑफ इंसरेक्शन जस्ट फॉलो दिस बहुत डिटेल में नहीं जाना है वैसे भी ट्वेंटी जैन को नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं सो लेटस सी बाइडन इनोग्रेशन सी ई ओ डिफेंस नाउसी ट्विटर सी ई ओ जैक डोर्सी ने अभी एक ट्वीट किया सीरीज ऑफ ट्वीट किया कि ऑल दो दिस इज़ नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट कि आपने प्रसिडेंट को ब्लॉक किया दिस इज़ नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन है और जिस तरीके से सारे दूसरे वर्ल्ड लीडर्स ने इतने अलर्ट हो गए बिकॉज ऑफ दिस उनको लग रहा है कल इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया तो एंजला मर्कल ने यह बात कहा इस बात पे डेवलपमेंट होगा अभी आगे चल के इन जो बिग टेक कंपनीज़ है ना इनको रिन इन करने का बात चल रहा है अंडर करेंट है अभी न्यू रूल टू रेज वेज रेट्स फॉर एच वन बी वर्कर्स कुछ दिन पहले हमने इसकी हिस्ट्री देखी थी कि कैसे स्टेम के कारण यू ने एच वर्कर्स को बुलाना चालू किया बट अब समय बदल रहा है ख़ुद उनके यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है तो अब वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं एच वन बी फॉरन स्किल्ड वर्कर्स पे डब्ल्यू एच ओ टीम अराइव इन वुहान टू इन्वेस्टिगेट पैंडमिक ओरिजिन ठीक एक साल पहले इसके केसेज आए थे आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर दैट डे एज वेल और तब चाइना का स्टेटमेंट हम देखते थे चाइना बोलता था कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे सब नॉर्मल है एवरी थिंग इज गुड नाउ सी डब्ल्यू एच ओ टीम्स अराइव इन वुहान टू इन्वेस्टिगेट पैंडमिक ये जो कोविड है ना इसका आई रिमेंबर आई फॉलो दिस फ्रॉम डे वन जब से इसकी न्यूज़ आना चालू हुआ एंड नैब सीन की कैसे नेरेटिव चेंज होते हैं कैसे हम गोल पोस्ट चेंज करते हैं दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न में बहुत सारी न्यूज़ को ऐसे ही स्किप करते हैं बिकॉज उसका शेल्फ लाइफ नहीं है वो कल फिर चेंज हो जाएगी दिस इज़ वुहान वायरस और इसमें जरूरी है कि जो चाइना है इसको अकाउंटेबिलिटी सेट करें जो भी लैबसेज हुए हैं या ये आर्टिफिशियल था या लैब से रिलीज हो गया वॉट एवर बी इट इज़ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सेट करना ज़रूरी है बिकॉज सी एक वायरस ने पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन पर ले आया कितने सारी इकोनॉमी लॉस हुआ कितने स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ ऑल बिकॉज ऑफ दिस तो इसका कॉस्ट कौन होगा रिपेट्रिएशन क्यों नहीं देना चाहिए यहाँ पे दीज थिंग्स शुड बी आस्क अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है पिग पेंटिंग में बी वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव आर्ट आर्क्योलॉजिस्ट ने देखा ये सुलावेसी आइलैंड है इंडोनेशिया आर्की पैलागो मैपिंग में देखा था हमने सुलावेसी आइलैंड में हमने ये एक पिग मिला है केव पेंटिंग है नॉ सी हमने एनसीआरटी पढ़ा है एनसीआरटी का ये चैप्टर नंबर वन था कल्चर दिस कल्चर बुक का क्लास एलेवेंथ इसमें हमने इवोल्यूशन पढ़ा ह्यूमंस का स्टोन एज कैसे होता है फिर ये डिफरेंट डिफरेंट साइट्स मिले ये पहला चैप्टर था प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ये इस टाइप की पेंटिंग्स होती थी देन ये हमें मिले लक लखया दियार उत्तराखंड में और दिस लखु दियार उत्तराखंड वेवी लाइंस हैं इस टाइप की पेंटिंग्स दिखी हैं फिर एक ये भीम बैठका बहुत इंपॉर्टेंट था ये भीम बैठका की पेंटिंग है अपर पेली मीजोलैथिक दैन दिस इज़ भीम बैट का दिस इज़ द हंटिंग सीन डांसिंग सीन तो इस टाइप की पेंटिंग्स हैं ना ये जो चीज़ है ना हिस्ट्री है हिस्ट्री पढ़ने से हमें कनेक्शन मिलता है आज हम कैसे डेवलप किए तो ये पेंटिंग्स जानना भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स का ये फेवरेट टॉपिक है सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे प्रिपेर अ नोट ऑन प्री हिस्टोरिक रॉक एंड केव पेंटिंग यू कैन रेफर टू दिस एन सी आर टी कुछ सी सी आर टी का भी मटेरियल है मैं अभी पी डी एफ बना के शेयर करता हूँ सो so, डू रीड दिस थिंग और प्रिपेयर करें रॉक एंड केव पेंटिंग हर साल कुछ ना कुछ पूछा गया है इससे रॉक एंड केव पेंटिंग से ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर टू फॉर टूडे नाउ यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट मैनग्रोव नाउ लेटेस्ट टॉक अबाउट कोरल कोरल रीव्स कोरल रीव्स वहाँ पे मिलती है जहाँ पे फ्रेश वॉटर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आ रहा है वहाँ नहीं मिलती है यहाँ पे तभी आप देखोगे यहाँ पे कोरल रीव्स नहीं है बिकॉज बहुत सारी रिवर्स का माउथ है यहाँ पे कोरल रीफ्स कहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है थोड़ी है यहाँ पे भी ऑल दो ये जो अंडमान एंड निकोबार है इनका वॉलैनिक इन ओरिजिन है लक्षद्वीप पूरा पूरा कोरल आइलैंड है गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे इस एरिया में भी कोरल रीफ्स मिलती है देन दिस इज गोवा अंजद्वीप अरेबियन सी बॉम्बे कुछ यहाँ पे गच पे भी है इनके टाइप्स हो सकते हैं फ्रिंजिंग रीफ हो सकती है अटोल बैरियर रीफ सो ये जो मैप है इधर यहाँ पे और यहाँ पे प्राइमरली इस जगह पे कोरल रीफ मिलती है इस जगह पे कोरल रीफ नहीं है कल हमने मैनग्रोव का मैप देखा था रिवीजन अब इंपॉर्टेंट है फसल बीमा योजना सो so, ये था हमारा इंडियन एक्सप्रेस देन दिस इज कोविड वैक्सीन कैंपेन चल रहा है स्पोर्ट्स में दिस वर्ल्चर स्ट्रीट और गाबा का अभी मैच होगा टेस्ट इंडिया का ट्रिप साउथ ट्रिप ऑस्ट्रेलिया में नाउ सी लेट अस कम टू दिस हिंदी आर्टिकल फसल बीमा योजना ये योजना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके पाँच साल कंप्लीट हो गए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा क्या होता है आप कुछ पैसे डिपॉजिट कराते हो और अगर कुछ गलत हुआ तो वो पैसे आपको एम्प्लीफाइड वो जो गलत हुआ है उसकी भरपाई हो जाती है इसी चीज़ को बीमा बोलते हैं इंश्योरेंस इंश्योरेंस बहुत चीज़ों का होता है लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है आपकी कार व्हीकल्स इनका इंश्योरेंस होता है इवन जो फसल है क्रॉप है उसका भी इंश्योरेंस होता है रीजन बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो कई बार हम देखते हैं जैसे सोयाबीन की फसल है वो पूरी खराब हो गई बिकॉज रेन्स बहुत एराटिक थी तो खराब हो गया वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर करने के लिए सेफ्टी नेट होना चाहिए और वो सेफ्टी नेट है ये बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तेरह जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई इससे पहले था एन नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एम इन दोनों को मिला के बना दिस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका उद्देश्य क्या था कि किसानों का जो प्रीमियम है प्रीमियम मतलब इंश्योरेंस कराने के लिए पहले कुछ पैसे देने पड़ते हैं जैसे सौ लोगों ने सपोज दस दस रुपए दिए तो एक पुल बन गया एक हजार रुपए का अब किसी एक किसान की फसल खराब हो गई तो इस एक हजार रुपए से उसकी भरपाई होगी तो ये जो पैसे दिए ना सौ लोगों ने दस दस रुपए दिस इज प्रीमियम प्रीमियम का बोझ कम करना पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे को शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है तो प्रीमियम कम होना चाहिए और अगर नुकसान हुआ तो ऑलरेडी वो बहुत स्ट्रेस्ड में है पर्सन उसको तुरंत पैसा मिलना चाहिए दिस इज द प्रायोर, दिस शुड बी द प्रायोरिटी विस्तार क्षेत्र हुआ इसका खाद्य तिलहन दैट इज तिलहन ऑयल वार्षिक वाणिज्यिक कमर्शियल बागवानी हॉर्टिकल्चर फसलों को शामिल किया गया पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत फसल कटाई प्रयोगों का अपेक्षित संख्या संचालन किया जा रहा है दिस एस्टिमेशन इन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स भी अब आया 2.0 नेक्स्ट वर्जन है नेक्स्ट वर्जन में पूर्णतया स्वैच्छिक है वर्ष 2020 के खरीफ सीजन के सभी किसानों हेतु तो नामांकन के लिए शत प्रतिशत स्वैच्छिक बनाने का निर्णय लिया है इट इज नॉट मैंडेटरी स्वैच्छिक सीमित केंद्रीय सब्सिडी होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के तहत गैर सिंचित क्षेत्रों फसलों के लिए बीमा किस्त की दरों पर केंद्र सरकार की हिस्सेदारी केवल तीस परसेंट है और सिंचित के लिए ट्वेंटी फाइव परसेंट तक सीमित करने का निर्णय किया है थर्टी परसेंट सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थर्टी परसेंट सिंचित के लिए ट्वेंटी फाइव परसेंट के लिए दिस सिंचित के लिए और थर्टी परसेंट गैर सिंचित के लिए सब्सिडी मिलेगी बाय सेंटर तो पहला तो स्वैच्छिक हो गया दूसरा सब्सिडी सेंटर का कम किया इन्होंने राज्यों को अब ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने के लिए व्यापक छूट प्रदान की गई है उसकी बुवाई स्थानिक आपदा फसल के दौरान मौसम प्रतिकूलता फसल के बाद नुकसान अतिरिक्त जोखिम कवर देना है सुविधाएं देना है स्टेट्स को कंप्लीट फ्रीडम है दे कैन मॉडिफाई दिस स्कीम कस्टम कर सकते हैं अकॉर्डिंगली निर्णय में देरी होने पर दंड होगा पी एम में अगर खरीफ सीजन के लिए थर्टी तक नहीं दिया टाइमली पेमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट और एक और चीज़ है इस स्कीम में क्या था आप अपने फोटोज अगर खेत में खराब हुआ फसल फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हो ऐप के थ्रू ये सब चीज़ें था तो इन्फॉर्मेशन एंड आई ई सी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन ये चीज़ें होना जरूरी है खर्चे पर करना अनिवार्य हो गया प्रीमियम का पॉइंट फाइव परसेंट सो दिस इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है क्लाइमेट रिजाइलियंट एग्रीकल्चर इस पर भी हमने एक नोट भी प्रिपेयर किया था पी डी एफ आई शेयर इन टेलीग्राम एंड यू रॉट सम वेरी गुड आंसर क्लाइमेट रिजाइलियंट एग्रीकल्चर दिस इज फसल बीमा योजना नॉट टूडे वी टॉक्ट अबाउट दिस कोरल मैप फसल बीमा हिस्टोरिक पेंटिंग्स प्रिपेयर अ नोट देन गोल्ड द करेक्शन दिस इज अबाउट उस्ताद ये है आर्मी डे और ये है डिजिटल डिवाइड सो दिस इज 15th ऑफ जनवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ